बाल परी के जादुई कंघी। रौनकपुर नामक गांव में काया नाम की एक बहुत ही शांत और सुशील लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वैसे तो काया हर चीज में संपूर्ण थी, बस उसमें एक ही कमी थी, उसके सर पर बाल बहुत कम थे, जिस वजह से उसकी सारी सहेलियाँ उसका मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन स्कूल में लंच के समय में सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, तभी उनके पास काया जाती है और कहती है, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकती हूँ? काया, तुम्हारे सर में तो बाल ही नहीं है, अगर तुम हमारे साथ खेलोगी तो कहीं तुम्हारे जैसे हमारे बाल भी ना हो जाए। अरे काया, तुम्हें देखकर तो लगता है तुम कुछ ही दिनों में गंजी ही हो जाओगी। इसी तरह से उसकी सहेलियां उसका खूब मजाक उड़ाती है, परंतु काया अपने सहेलियों के उड़ाए गए मजाक को चुपचाप सुन लेती है, उन्हें कोई जवाब नहीं देती। पर काया को अंदर से बहुत दुख होता है, पर वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अकेले बेंच पर बैठकर सभी बच्चों को खेलते हुए देखती है। इसी तरह एक दिन काया स्कूल से घर जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक घायल चिड़िया मिलती है, जिसे आसमान से उड़ती हुई आ रही चील उसे खाना चाहती थी। ये देख काया तुरंत उस चिड़िया के पास जाती है और उस चील को डंडे से डराकर वहां से भगा देती है। चिड़िया दर्द से छटपटा रही थी, काया तुरंत उस चिड़िया को उठाकर अपने घर ले आती है और घर पर उसकी खूब अच्छे से खातिरदारी करती है। चिड़िया रानी, अब तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर तुम भी खुले आसमान में उड़ान भर सकोगी। तभी वो चिड़िया एक सुंदर परी में बदल जाती है, जिसे देख काया घबरा जाती है। डरो नहीं प्यारी बच्ची, मैं परीलोक की बाल परी हूँ। मैं परीलोक से यहाँ पृथ्वी लोक घूमने आई थी, तभी पाताल लोक के दुष्ट राक्षस शंभू की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो मुझे खाने के लिए मेरे पीछे पड़ गया। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मैं एक चिड़िया का रूप ले ली और वो एक चील का। प्यारी बच्ची, आज तुमने मेरी जान बचाई है, अगर आज तुम ना होती तो शायद वो दुष्ट राक्षस मुझे खा ही जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्ची, मैं तुम्हारा ये एहसान पता नहीं कैसे चुका पाऊंगी। प्यारी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? परी जी, मेरा नाम काया है, पर सब मुझे टकली बोलते हैं, क्योंकि मेरे सर पर बाल नहीं है ना, जिस वजह से कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता और मेरे साथ खेलता भी नहीं है, और मेरी सहेलियां मेरा खूब मजाक बनाती है। काया की बात सुनकर बाल परी मुस्कुराती है और बोलती है, अच्छा तुम्हारी ये समस्या है, तो मैं तुम्हारी ये समस्या अभी चुटकियों में हल कर देती हूँ। क्या कहा, चुटकियों में? पर आप ऐसा क्या करेंगे बाल परी? मैं तुम्हारे बाल बहुत लंबे, काले और घने कर दूंगी। परी जी, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप, भला बाल भी इतनी जल्दी आ जाता है क्या? बाल आने में तो सालों लग जाते हैं। अरे मेरी भोली सी प्यारी काया, ये लो, ये एक जादुई कंघी है, इस कंघी से तुम रोज अपने सर में कंघी करना और फिर देखना, तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। पर काया, कभी भी इस कंघी का उपयोग गलत इरादों से मत करना। इतना बोलकर बाल परी वो कंघी काया को दे देती है। काया, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, रानी परी मेरी चिंता कर रही होगी, मुझे परीलोक वापस लौटना होगा। इतना बोलकर परी काया से विदा लेकर परीलोक वापस लौट जाती है। काया परी से जादुई कंघी पाकर बहुत खुश होती है और शीशे के सामने जाकर उसे जैसे ही अपने सर में कंघी करती है, वैसे ही उसके सर पर बहुत ही काले, घने, बिल्कुल रेशम जैसे बाल आ जाते हैं और काया बहुत सुंदर दिखने लगती है। ये देख काया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, माँ, कहाँ हो तुम, ये देखो। अरे भाग्यवान, क्या हो गया, किसने पूरा घर सर पर उठा रखा है?
अरे माँ, इधर आकर देखो तो सही। जैसे ही काया की माँ काया को देखती है, वह दंग रह जाती है। अरे बेटी, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तेरे इतने घने बाल कैसे आ गए? फिर काया अपनी माँ को बाल परी के बारे में सारी बातें बताती है। शुक्र है बाल परी का, जिसने मेरी बेटी की जिंदगी सवार दी। अगले दिन काया खुशी खुशी स्कूल जाती है। स्कूल में सभी बच्चे काया को देखकर दंग रह जाते हैं। जहाँ पहले बच्चे उससे बात तक करना नहीं चाहते थे, आज वो काया से बात करने का बहाना ढूंढने लगते हैं। अब काया की बहुत सारी नई नई सहेलियाँ बन जाती है, जिनके साथ काया खूब खेलती है। ये सब देखकर प्रिया बहुत जलती है और सोचती है, आखिर इस चकले के इतने जल्दी बाल कैसे आ गए और ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? मुझे पता लगाना होगा, ऐसे तो सारे बच्चे इसी में चिपक जाएंगे, मेरे पास तो कोई आएगा ही नहीं। एक दिन काया जब अपने जादुई कंघी से कंघी कर रही थी, जादुई कंघी, तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। जिंदगी सवार दी, एक नई बहार दी, दुनिया ही बदल दी, तुम तो प्यारा सा चमत्कार हो। काया इधर खुशी से कंघी करते हुए गाना गा रही थी, उधर खिड़की से प्रिया ने उसकी सारी बातें सुन ली। जादुई कंघी, अच्छा तो ये बात है, इस जादुई कंघी की वजह से ये टकली के इतने सुंदर बाल बन गए हैं। अगले दिन जब काया घर पर नहीं थी, तभी प्रिया काया के घर गई और बोली, ओ आंटी, काया किधर है? मुझे उसे अपनी नोटबुक लेनी है। बेटा, काया तो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं आंटी, मैं उसके कमरे में जाकर खुद अपनी नोटबुक ले लेती हूँ। प्रिया अपने नोटबुक का बहाना बनाकर मौका पाकर काया के कमरे में घुस जाती है और उसके जादुई कंघी चुरा लेती है और वैसे ही उसकी जगह दूसरी कंघी रख देती है। उधर प्रिया जैसे ही उस जादुई कंघी से अपने बालों में कंघी करती है, वैसे ही उसके सारे बाल गायब हो जाते हैं और वो टकली हो जाती है। जब उसने आईने में अपने आप को देखा तो वो बहुत रोने लगती है। हे भगवान, मेरे बाल, अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी। इधर जब काया अपने घर आती है तो उसकी माँ प्रिया के घर आने की बात बताती है। काया जब अपने कमरे में जाती है, अरे प्रिया तो अपनी नोटबुक लेकर ही नहीं गई। कोई बात नहीं, मैं दे आती हूँ। काया जब उसको नोटबुक देने उसके घर जाती है, अच्छा हुआ काया तुम आ गई। फिर प्रिया काया को सारी बात बताती है और उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो काया। प्रिया की बात सुनकर काया बालपरी को याद करने लगती है। तभी वहाँ बालपरी प्रकट होती है। काया बालपरी से कहती है, हे बालपरी, मेरी सहेली प्रिया के बाल पहले जैसे कर दो। काया की बात सुनकर बालपरी ने प्रिया के बाल पहले जैसे कर दिए। प्रिया को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। काया, तुमने मेरी बहुत मदद की है, आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारी सबसे अच्छे दोस्त हूँ, मैं हमेशा तुमसे दोस्ती निभाऊंगी। परी बोलती है, काया लो, अब तुम्हें एक पक्के दोस्त मिल गई, अब यहाँ मेरा काम खत्म हुआ, तुम दोनों हमेशा साथ रहना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली गई। इधर काया और प्रिया खुशी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।